नमस्कार, साहित्य तक बुक कैफे की टॉप 10 पुस्तकों की श्रृंखला अभी जारी है। इस क्रम में आज मैं पुराण संस्कृति से चुनी हुई टॉप 10 पुस्तकों की चर्चा करूंगा। मैं पहले ही बता दूं कि साहित्य तक की पुस्तकों का यह चयन उन पुस्तकों के आधार पर किया गया है जो बुक कैफे में समीक्षा के लिए हमें प्राप्त हुई थी और साल 2022 में मैंने जिनको पढ़ा, ये किसी क्रम के रूप में ना होके, यानी 1, 2, 3, 4 के क्रम में ना होकर, बल्कि सारी पुस्तकें समान रूप से हमारे लिए महत्व रखती हैं, इसलिए इन्हें 1 से 10 के क्रम में ना देखकर वर्ष 2022 की श्रेष्ठ पुस्तकों के रूप में ही माने और सभी पुस्तकों का महत्व हमारे लिए समान है। पुराण संस्कृति की जिन पुस्तकों को इस टॉप 10 में हमने चुना है, उनमें गरुण पुराण एंड अदर हिंदू आइडियाज ऑन डेथ, रीबर्थ एंड इमॉर्टेलिटी। देवदत्त पटनायक की यह पुस्तक जीवन और मृत्यु के बीच आत्मा के आवागमन और उसके रहस्य की बात करती है और अमूमन ऐसे गूढ़ सवालों से जूझती है कि मृत्यु, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क और अमरता क्या है भी या नहीं। इसके अलावा भारतीय धार्मिक आध्यात्मिक धारणाओं के बीच विशेषतः गरुण पुराण क्या कहता है। पटनायक का मत है कि कोई भी समाज मिथक के बिना मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि यह सही और गलत, अच्छे और बुरे, स्वर्ग और नरक, अधिकार और कर्तव्य की धारणा बनाता है। यह पुस्तक हिंदू धर्म में कब्र निर्माण की बजाय मृतकों को जलाना क्यों पसंद किया जाता है, क्या इस्लाम में शामिल जन्नत और दोजक की परिकल्पना हिंदू धर्म के स्वर्ग और नर्क के समकक्ष है, क्या मृत्यु के लिए वैदिक दृष्टिकोण तांत्रिक मत से भिन्न है, भूत, पिशाच, प्रेत, वैताल और पितृ में क्या अंतर है, ऐसे विषयों पर भी अपना मत रखती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वेस्टलैंड बुक्स। घटोत्कच के माया जाल में नमिता गोखले की यह पुस्तक महाभारत काल के उस पौराणिक पात्र की बात करती है जिसे अमरता का वरदान हासिल था। घटोत्कच निश्चित रूप से वह प्रमुख पात्र है और शायद यही वजह है कि महाभारत युग के इस अजय किरदार के बारे में लोगों की बहुत सारी रुचियां हैं। गोखले ने चिंतामणि देवगुप्ता नामक 13 वर्षीय एक किशोर को समय के पार महाभारत युग में ले जाती हैं और न केवल घटोत्कच से मिलवा देती हैं, बल्कि उसकी माँ हिडम्बा, महाबली भीम, पाँचों पांडव, श्री कृष्ण की नगरी द्वारका आदि की यात्रा भी करवाती हैं और उस समूचे युग को सामने रख देती हैं जो एक बालक की जिज्ञासा से पनपा था। घटोत्कच को केंद्र में रखकर किशोरों की कल्पनाशीलता को यह पुस्तक पौराणिक काल और उसके आख्यानों से जोड़ती है। एक्शन और एडवेंचर से भरे तेज भागते कथानक के बीच प्रकृति और संवेदना बची हुई है जो संबंधों की मधुरता को उकेरती है। रेखाचित्र इस पुस्तक को खास बनाते हैं। यह पुस्तक अंग्रेजी में पहले प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था लॉस्ट इन टाइम, घटोत्कच एंड द गेम ऑफ इल्यूजन। हिंदी में इसका अनुवाद अनु सिंह चौधरी ने किया है। पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत इसके प्रकाशक हैं हिंद पॉकेट बुक्स। उर्मिला आशा प्रभात की यह पुस्तक लक्ष्मण की अर्धांगिनी उर्मिला की कथा कहती है जो राम कथा का लगभग सर्वाधिक उपेक्षित पात्रों में से एक है। पति से लंबे विरह और उस दौरान कर्तव्यों की जो उदात्त भावना का पालन करने वाली उर्मिला का जो चरित्र है, उसको ना तो वाल्मीकि रामायण में विस्तार मिला है, ना ही तुलसी के रामचरितमानस में। प्रभात अपनी इस औपन्यासिक कृति में इस अदिखते पात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को
प्रकाशित करने की अनूठी कोशिश करती हैं। वे कहती भी हैं कि उर्मिला का तप बहुत कठिन है, विरह का ताप कमोबेश हर स्त्री भोगती है, परंतु उर्मिला का विरह इस मायने में विशिष्ट है कि उसमें अश्रुओं के निकलने की वर्जना भी शामिल है। उर्मिला के संपूर्ण अनुभव जगत को अंकित करने के अलावा यह उपन्यास राम कथा के धार्मिक आध्यात्मिक पहलुओं से इतर मानवीय पक्ष को सामने रखता है। प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। वानर बाली सुग्रीव और तारा की अमर कथा। आनंद नीलकंठन की यह पुस्तक रामायण काल के बेहद अहम किरदार बाली, उनकी पत्नी तारा और भाई सुग्रीव की कहानी बेहद अलग परिप्रेक्ष्य में रखती है। पुस्तक यह बताती है कि बाली अंततः किस तरह अपने भाई और सुग्रीव और पत्नी तारा के प्रेम के बीच मानसिक और आत्मिक तौर पर आहत होता रहा। इन तीनों किरदारों के बहाने नीलकंठन भारतीय वन्य जीवन में निवासरत बानर संस्कृति और उस काल के राजनीति, इतिहास, पौराणिकता और सामाजिकता को भी उजागर करते हैं, जिनसे आप अतीत की सुनहरी गलियों में जा सकते हैं। पुस्तक अपने कथानक के चलते मानवता के लिए एक बेहतर और तार्किक भविष्य का रास्ता सुझाती है। यह पुस्तक भी अंग्रेजी में वानरा द लीजेंड ऑफ बाली सुग्रीवा एंड तारा नाम से प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद रमेश कपूर ने किया है। प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स। आसक्ति से विरक्ति तक। अंकिता पांडे की यह पुस्तक सारला महाभारत के आधार पर रची गई एक अनूठी कृति है। सारला दास ने, जो ओडिया के प्रसिद्ध रचनाकार, साहित्यकार, कवि रहे हैं, उन्होंने व्यास मुनि की प्राचीन कथा को एक नवीन संकल्पना के साथ प्रस्तुत किया। इसे व्यास महाभारत का पहला पुनः कथन भी मान सकते हैं, जिसमें सभी 18 पर्व सम्मिलित हैं। लेखिका ने इस पुस्तक में विभिन्न पर्वों से चुनी गई कहानियों को बहुत सुंदर पुनः कथन के साथ हिंदी जगत के पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह सारला महाभारत का पुनरावलोकन सरीखा है, जिसमें सावधानीपूर्वक ऐसे 36 प्रसंग चुने गए हैं जो या तो व्यास महाभारत में हैं ही नहीं, या उन्हें सारला दास ने अपनी तरह से, अलग तरह से प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक सारला महाभारत के सार के साथ ओडिया और संस्कृत महाभारत की भिन्नता से भी हिंदी जगत को रूबरू कराती है। प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। काशी कथा। त्रिलोकनाथ पांडे की यह पुस्तक ऐतिहासिक शोधों और जनश्रुतियों के ताने बाने से बुनी गई काशी की अप्रतिम कथा है, जो उससे जुड़े ऐतिहासिक और अप्रतिम आध्यात्मिकता वाले व्यक्तित्वों की जीवन गाथा को उन्हीं के श्रीमुख से कहलवाती है, सिवाय भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध चूंकि तथागत हैं, इसलिए उनकी कथा काशी नगरी स्वयं कहती है। शेष काशी में जितने भी पौराणिक एवं सांस्कृतिक आख्यान हैं, या शख्सियत हैं, या विभूतियां हैं, या देवता हैं, वे अपनी कथा खुद कहते हैं। इनमें देवाधिदेव महादेव ने काशी को क्यों अपनी नगरी के रूप में चुना, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का काशी से क्या संबंध था, कबीर तुलसी रैदास की ना राम तक अपनी कथा आत्मकथात्मक शैली में रखते हैं। यह पुस्तक पाठकों को कहानी के अंदाज में आध्यात्मिकता के अलौकिक संसार में ले जाने में सक्षम है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं प्रलय प्रकाशन। नाचता अध्यात्म। हृदय नारायण दीक्षित की यह पुस्तक भारतीय वाङ्मय का सहज और समकालीन निचोड़ प्रस्तुत करती है। दीक्षित यह बताते हैं कि वैदिक दर्शन की जो आधुनिक मीमांसा है, राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक बोध है, परंपरा की जो निरंतरता है और उसका जो प्रवाह है, वह उस समय के समूचे साहित्य में शामिल है। और अगर आज हम भारत की परिकल्पना करते हैं तो सभ्यता, संस्कृति, परंपरा के उस दौर को हम भूल नहीं सकते। यह पुस्तक शास्त्र, पुराण और भारतीय इतिहास, पुराने इतिहास का एक ऐसा संगम प्रस्तुत करती है जो पाठकों के लिए भारतीय संस्कृति को समझने, जानने और आत्मसात करने का एक सुगम माध्यम है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। भारतीय संस्कृति के गकार प्रतीक।
डॉक्टर बिंदेश्वरी प्रसाद ठाकुर विपिन की यह पुस्तक भारतीय संस्कृति में प्रतीकों के महत्व को दर्शाती है। चाहे वह मूर्तियाँ हों, वृक्ष हों, नदी हो, पर्वत हो, यहाँ तक कि जानवर भी हमारी संस्कृति में क्यों प्रतीक के रूप में स्थान पाते रहे, लेखक ने इसे बताने की कोशिश की है। और गकार से शुरू होने वाले प्रतीकों, मान्यताओं, ग्रंथों और आस्थाओं का गहन विश्लेषण कर गाय, गंगा, गणेश, गायत्री, गीता और गोविंद से जुड़े हर पहलू की बात की है और यह बताया है कि इससे जुड़े प्रतीक और चिन्ह, उनसे जुड़ी श्रद्धा के पीछे क्या वजह थी। लेखक गुरु नानक देव जी के इस कथन को भी पुस्तक में रखते हैं कि भाव अमूल्य हैं, इसका धर्म भी अमूल्य है, इसका दरबार भी अमूल्य है और इसका प्रतीक भी अमूल्य है। नानक जी आगे कहते हैं कि प्रतीक का सम्मान अवश्य करना चाहिए क्योंकि कौन जाने किसके लिए उससे रास्ता मिलता है। यह पुस्तक सर्वभाषा ट्रस्ट ने प्रकाशित की है। कुबेर लंका का पूर्व राजा। आशुतोष गर्ग की यह पुस्तक धन के राजा कुबेर की गाथा के साथ ही राक्षस राज रावण से उनके संबंधों को भी उजागर करती है। पुस्तक उपन्यास शैली में यह बताती है कि किस तरह से कुबेर ने वीरान हो चुकी लंका पर अपना अधिकार स्थापित किया और कैसे राक्षसों ने भयानक षड्यंत्र कर लंका को उनसे वापस पाने की ठानी। कुबेर और रावण किस तरह सौतेले भाई थे, किसने उनके बीच विवाद और द्वंद्व को उभारा, कुबेर और रावण की यह शत्रुता अंततः कहाँ तक गई, कुबेर के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने कालांतर में महाकवि कालिदास को अपनी प्रसिद्ध रचना में एक दूतम की आधारशिला रखने के लिए बाध्य किया। यह पुस्तक औपन्यासिक होते हुए भी कई सवालों के समाधान प्रस्तुत करती है। प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिशिंग हाउस। इस संस्कृति और पुराण श्रेणी में आखिरी पुस्तक है डीएनए पुरातत्व और वैदिक संस्कृति। दिव्येंद्र त्रिपाठी इसके रचनाकार हैं। भारत के अतीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदर्भ वैदिक और लौकिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल तथा उसकी संस्कृति को लेकर अनेक तरह के भ्रम और मिथ्या धारणाएं शतकों से प्रचलित हैं। लेखक जेनेटिक्स और पुरातत्व के आधार पर वैदिक काल और उसकी संस्कृति को समझाने का प्रयास करते हैं। वो बताते हैं कि इस क्षेत्र में शोध और अनुसंधान बहुत विस्तार से हुए हैं और वो दावा करते हैं कि पिछले कुछ दशकों से जेनेटिक्स, पुरातत्व आदि के क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य हुए हैं वह भले ही इतिहास की लोकप्रिय पुस्तकों में उपेक्षणीय बने हों, लेकिन बिना उनके आकलन के भारतीय इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं सर्वभाषा ट्रस्ट। बुक कैफे टॉप 10 की यह श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। कल मैं किसी और श्रेणी की टॉप 10 पुस्तकों के साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हम उन 10 चुनी हुई विधा विशेष की पुस्तकों की बात कर रहे हैं जो पुस्तकें आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं, आपके ज्ञान को बढ़ा सकती हैं, आपको बौद्धिक आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कर सकती हैं। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।